बात चल रही थी उस हिसाब की जिसके लिए मांगा जा रहा था। तो जो मैंने उनसे कहा कि भाई आप वो हिसाब दे दो, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, जो लोगों ने मदद की उन्हें पता लग जाए कि उनकी मदद का सही उपयोग हुआ है, और लोगों को पता भी लग जाए कितनी मदद थी, क्या उसकी वो हुई है, उसका सही प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है। तो मेरी उनसे भी कोई शिकायत नहीं, बस मैं तो उनसे उनसे मेरा निवेदन था कि भाई मैं उनको भी अपमानी, उन्होंने मदद की है, मैं उनको भी अपमानित किया, कुछ कहने के बारे में दुर्व्यवहार नहीं कहना चाहता। मैं तो कहता हूँ कि भाई आप सही, आप अपना जो खर्च आपने किया है वो बता दो, क्योंकि समाज के लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो टांग खींचने काम करते हैं, उन्हें ऐसे ही काम मिलते हैं, तो उनको भी, उनका भी स्पष्टीकरण हो जाए, उनकी शिकायत उनकी भी दूर हो जाए। और जितना समय जो लोग फेसबुक पे और उस पर टिप्पणियां करते रहते हैं, तो जो लोग, गजब की बात है कि जो लोग इतनी टिप्पणियां और सब चीजें करते टांग खींचने की, मैं कहता हूँ कि आप जो है जितना समय मेरी कमियां गिनाने में या भीम आर्मी के किसी दूसरे व्यक्ति कमियां गिनाने में लगा रहे हैं, इतना समय आप काम करने में लगाएंगे तो हमें हमारी कमियां सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे, लेकिन आप अगर काम करेंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा और हम बड़ी शीघ्रता से तरक्की कर लेंगे। तो जो गलतियां हैं उन्हें सुधारें और प्रयास करें। मैं गलत हूं या कल, जो लोग कल मेरे निर्णय की बात देखो, मैं गलत हूंगा तो वो समाज के साथ होगा, समाज निर्णय लेगा, मैं सही हूंगा तो समाज के साथ होगा, समाज निर्णय लेगा। भाई मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, तो ऐसे में अगर कुछ गलत निर्णय लिया जाता, कल कोई बात होती है तो उसके लिए समाज निर्णय लेगा, समाज बुद्धिजीवी है, अगर दूसरा भी कोई गलत करेगा तो उसमें भी समाज निर्णय लेगा, ठीक है ना। समाज बड़ा जिम्मेदार हो रहा है, समाज बाबा साहब मिशन को पढ़ रहा है, समाज बहुत सारी चीजों को जान रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत करेगा तो समाज उसके साथ नहीं खड़ा होगा, उसमें मैं हूँ, कोई और हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई भी हो, जो समाज से छेड़खानी करेगा, गलत करेगा, वो उस समाज से दूर हो जाएगा, मेरा पूरा भरोसा है। रही बात, देखिए क्योंकि हम लोग भीम आर्मी चला रहे, एक अनुशासन से हमारे उसमें है, एक हमारे संगठन का अनुशासन है, तो कोई अगर कोई स्टेटमेंट देता है उसे भीम आर्मी से ना जोड़ा जाए, इसलिए मैं बता दूं कि सब लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग से संगठन बना के सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन वो संगठन है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व तो मैं कर रहा हूँ। कुछ एक साथी हमारे, कुछ लोग हैं, उन्होंने भीम सेना के नाम संगठन बनाया है, और किसी ने अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के नाम से बनाया है, तो भाई उन लोगों का वो, उन्होंने अपने लिए बनाया है, अपने काम करने के लिए बनाया है, तो उनसे मेरा कोई विरोध समर्थन नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भाई हैं हमारे, हम उनके साथ हैं, लेकिन जिस संगठन को हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता भी कोई गलत काम करता तो उसका छवि जो है, उसका जो मतलब उसकी जो विचारधारा है या उसको जो देखा जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन प्रतिदिन तो भीम आर्मी से होगा, तो पूरी भीम आर्मी पर सवाल होगा, पूरी भीम आर्मी सवाल के घेरे में आएगी। तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे, अगर कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट या कमेंट करता है तो वो उसकी अपनी निजी राय है, तो ये संगठन सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे, जैसा मेरा प्रयास था, मैं आज आपके माध्यम से कह भी दूं कि जो ईमानदारी से बहुजन समाज की सेवा करना चाहता है, बहुजन समाज की मूवमेंट को चलाना चाहता है, जो बाबा साहब की बात करता है, जो साहब काशीराम की बात करता है, जो ज्योतिबा फूले की बात करता है, पेरियर की, बिरसा मुंडे की, गुरु नानक की, संत कबीर की, जो इनकी सभी महापुरुषों की बात करता है, उनका रास्ता एक है, तो वो भीम आर्मी देश का सबसे बड़ा संगठन है, अभी वो आपके साथ में आ जाए, ठीक है, तो उनका स्वागत है, सह सम्मान उनका स्वागत है, वो हमारे साथ आ जाए, इस संगठन के बड़े बैनर पे अपने साथ एक साथ होकर काम करें, जिससे कि आपके काम को आसानी मिल जाए और आपकी सुनवाई भी हो। तुम्हारा पूरा प्रयास है, आज जो लोग जुड़ना चाहते हैं भीम आर्मी से, वो लोग, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, उस पर कॉल करने, अच्छा उस पर मैसेज कर दें, क्योंकि मैसेज में ज्यादातर लोगों के पढ़ पाऊंगा, कॉल तो सब लोग ही नहीं उठा पाऊंगा, मैंने बताया मुझे परेशानी हो रही है थोड़ी सी, अभी शरीर ठीक नहीं है, लेकिन वो मैसेज कर दें उसमें मुझे, एक मैसेज जो है अपना नाम पते के साथ मैसेज कर दें, और अपनी कोई समस्या वो भी लिख दें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लिखी, मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैंने महसूस किया है, जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अपना सर उठाता है, हक की बात करता है, सवाल करता है, तो जो ऊंची जाति के लोग हैं, जिन्होंने व्यवस्था में को बना के रखा हुआ है, वो बहुजन समाज के चमचे जो है तैयार कर देता है, उसके खिलाफ खड़ा कर देता है, जो रोज फेसबुक, सोशल मीडिया,
एवन कई सारे पत्र उसके पत्रों के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत बड़े अफवाह फैलाने काम करते हैं। तो बहुत सीधी बात है, ऐसे लोग ये साहब काशीराम जी पे किताब लिखे चमचा युग। मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले कहा जो गलत होगा समाज से भाग जाएगा। मैं हूं, कोई और हो, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, अगर वो गलत करे समाज से झूठ बोलेगा, समाज को बेचने काम करेगा, समाज से दूरी बनाने काम करेगा, समाज की सुनवाई नहीं करेगा, समाज की बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करेगा, तानाशाही करेगा, समाज से छोड़ के भाग जाएगा। हम फिर साथी पूछ रहे हैं, मैं नंबर एक बार दोहरा देता हूँ, 9808777741। हमारे एक साथी हैं दीपक भाई, वो सचिन वालिया भाई के बारे में जानना चाहते हैं। सचिन वालिया भाई के उसमें जिन लोगों द्वारा, जिन साथियों के द्वारा, वो अपने ही लोग थे, मैं जेल में था, ये घटना हुई है, वो भाई हमारा हमारे बीच से चला गया। तो हम भीम आर्मी ने देखिए समानता दिखाई, पहले तो भीम आर्मी जिले का माहौल ही खराब होने दिया। कुछ चीजें हुई है मेरे पीछे, मेरी गैर मौजूदगी में मैं नहीं था, लेकिन जो लोग जिम्मेदार थे माहौल ने खराब होने दिया, माहौल को संभाला, और वो अपने भी लोग थे उनको उनको भी सामने लाया कि भाई इन लोगों ने किया है। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, 6 लोग जेल में है, तो जाके देखो जेल में कोई एक व्यक्ति जेल में है, उसकी भी बेल होगी, वो भी जल्दी बाहर आ जाएगा। देखिए कोई बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारे उस पर गाली भी देते हैं, हमारी पोस्ट पे गालियां भी देते हैं। और गजब की बात, देखिए मेरे काम करने से पीड़ा किसे हो रही है, आप मेरे वीडियो देखेंगे ना तो उनपे जो कमेंट देखेंगे, दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो स्वर्ण जाति के लोग कमेंट करते हैं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम भीम आर्मी बना के बहुजन समाज के टुकड़े कर रहे हो, मतलब पीड़ा उनको हो रही है, काम मैं कर रहा हूँ, पीड़ा उनको हो रही है। देखिए जो सवाल है कि बीएसपी में शामिल नहीं हो रहे, मैं बता चुका हूँ कि जितना काम मैंने अब किया है वो किसी पार्टी के बैनर पे नहीं किया है, सामाजिक संगठन पे किया, और बहुत काम किया है, और बहुत लोग जागे हैं, तो मैं इस मूवमेंट को पीछे नहीं जाने दूंगा। बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं करने दीजिए, मुझे किसी शिकायत नहीं है, ठीक है ना। तो अस्पष्ट है हमारा लक्ष्य है, पीड़ित बहुत बुरे समय में लिखा मैंने, हम एक ऐसे शासक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ये साहब काशीराम से सीखा मैंने, जो बिकाऊ ना हो, जो स्वाभिमानी हो, और जो इस नारे पर मर मिटने वाला हो कि ना झुकूंगा ना रुकूंगा ना बिकूंगा। हम चाहते हैं कि हमारे बहुजन महापुरुष जिन्होंने जो कार्य किए हैं, जो जो चीजें की हैं, वो सब आप लोगों के सामने हो, आप लोग उन्हें जानते हो, आपका शौर्य बढ़े। हम लक्ष्य की ओर हैं, हम बहुजन समाज में या बहुजन समाज के स्वाभिमानी संघर्ष और गौरव को बहुजनों की जवाब पे चाहते हैं, जिससे उन्हें अपने सही अस्तित्व की पहचान हो सके कि वो कमजोर नहीं है बल्कि इस देश के शासक हैं और इस देश के असल मालिक हैं। तो ये मैंने लिखा वहां, जब मैं मेरी मुलाकातें बंद हो जाती थी, मैं एक कमरे में बंद कर दिया, तब मैं लिखता था सब चीजें। बड़ा कठिन समय था वो, और लोग कहते हैं मैं संगठन का निर्माण क्यों कर रहा हूं, देखिए संगठन क्या है, परिवार एकजुट कर रहा हूं, मैं शक्ति को बढ़ावा दे रहा हूं हिंसा रोकने के लिए, अगर हम एक हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है वो बंद हो जाएगा, तो मैं हिंसा को रोकने के लिए शक्ति को बढ़ावा दे रहा हूं। और बहुजन महापुरुष, उन्होंने तो बहुत सारे काम किए, मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि मैं उनके रास्ते पे चल सकूं। मैं एक अंतिम में आपको बाबा साहब का एक अंतिम मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा, हम उस वर्ग में पैदा हुए बहुजन वर्ग में जिस देश के लोगों ने बलिदान दिए, आखिरी व्यक्ति वही है, जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति वही है, ठीक है। हाँ एक साथी कह रहा है, यादव है, कह रहा किसी सवर्ण को वोट नहीं दूंगा, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे अधिकारों के खिलाफ खड़ा होगा, जो व्यक्ति हमारे अधिकारों को लूटने काम करेगा, जो हम पे उत्पीड़न करने काम करेगा, उसको उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, हम उसे वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल सच है, मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का। स्वतंत्रता के लिए भाषण देना, मीटिंग करना, प्रस्ताव पास करना या प्रतिनिधिमंडल भेज देना ही पर्याप्त नहीं है, इन सबसे ऊपर कुछ रहने और बलिदान करने की भावना की आवश्यकता की अति आवश्यकता है। ये मैंने महसूस किया कि बिना बलिदान के कुछ नहीं मिलने वाला, और हमारा लक्ष्य है कि हम बाबा साहब तो पैदा नहीं कर सकते, वो तो युग पुरुष थे, साहब काशीराम भी युग पुरुष थे, लेकिन हमारा प्रयास है कि
हम साहब कांशीराम जैसे त्याग वाले लोग, निस्वार्थ लोग, जो समाज को किसी भी तरह से दे सकें, समाज के मूवमेंट को जिंदा कर सकें, संघर्ष कर सकें और कितनी भी मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े रहें, ऐसे लोगों का निर्माण करने के लिए हमारा प्रयास है कि प्रत्येक घर में एक साहब कांशीराम का अनुयायी तो मैं पैदा कर दूं। बिल्कुल कट्टर अनुयायी जो समर्पित हो, और जो लोग काम करना चाहते हैं ना भीम आर्मी में, जरूरी नहीं कि उनको भीम आर्मी से जुड़ने की जरूरत है, वो अपने क्षेत्र में SC ST OBC, अपने गांव में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों का एक समूह बनाए, एक उसको तैयार करें लिखित में, और उन लोगों को, उन लोगों के मुद्दों पर बात करें, उन लोगों की जरूरतों पर बात करें, उनकी समस्याओं को सुने। देखिए बहुत पीड़ित इस देश में मुसलमान पीड़ित है, पूरा ओबीसी वर्ग पीड़ित है, स्वर्णों में भी एक तबका जो बहुत जमीनी लेवल पे वो भी पीड़ित, उसका भी हमेशा यूज होता है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका, आज भी दोहरा देता हूँ, मेरे साथी बड़े गौर से सुने, जो स्वर्ण जाति के लोग भी इसे देख रहे हैं वो भी सुन लें, हम किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। और अगर आप भी मानवतावादी बात करते हैं, आप भी बुद्ध की बात करते हैं, तो एक बार महसूस करके देखिए, उत्पीड़न करने वाला की कोई जाति नहीं होती और उसकी मानसिकता गलत होती है, तो उत्पीड़न करने वाला कोई भी हो, आप भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। उसमें मैं भी हूं, अगर मैं उत्पीड़न कर रहा हूं तो आप मेरा भी समर्थन नहीं करेंगे। अगर कोई और उत्पीड़न कर रहा है, कोई जाति का व्यक्ति उत्पीड़न कर रहा है, तो अब देखिए कुछ साथी कह रहे हैं, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं कि वो उस व्यक्ति की नीति गलत है, उसकी सोच गलत है। लोकतंत्र में कोई किसी को दबा के नहीं रख सकता। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं अपनी बात को कह रहा था, हक्के बाद मैं सवाल करना सिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं लोग सवाल करें, हम जिस नेता को वोट देते हैं उससे भी सवाल करें कि वो क्या करेगा हमारे लिए, क्या उसके पास, हमारे पास कोई नीति है, उसके पास नीति है कोई हमारे लिए काम करने की, हमारा सामाजिक विकास करने की, व्यवस्था परिवर्तन की, क्या उसके पास हमें रोजगार देने की नीति है, क्या उसके पास, क्या वो भ्रष्टाचारी तो नहीं हो जाएगा। तो मैं, मेरे साथी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बसपा से ब्राह्मणों को हटाओ, भैया मैं कौन होता हूँ हटाने वाला, मैं कौन होता हूँ हटाने वाला भाई, ये तो वो लोग हटाएंगे जो बसपा चला रहे हैं, मैं कैसे हटा दूंगा, ये तो उनको नीति, उन्होंने अपनी नीति बनाई होगी ना, वो किस हिसाब से चला रहे हैं पार्टी को, मैं संगठन चला रहा हूँ, अगर संगठन ने किसी को हटाना हो, कोई गलत हो, तो आप मुझसे कहेंगे तो मैं कह दूंगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो आदरणीय हमारी राष्ट्रीय नेता है बुआ जी, उनका निर्णय होगा वो क्या करती है, ये उनकी पार्टी है, वो चला रही है। मैं भीम आर्मी का नेतृत्व कर रहा हूँ, भीम आर्मी के नेतृत्व में अगर कोई खोटो, भीम आर्मी कोई गलत है, तो मेरा आपका सवाल जायज। मैं बाबा साहब का अंतिम भाषण पढ़ूंगा, जो अंतिम संदेश उन्होंने दिया था, रोते समय दिया था, बड़े तड़पते समय, साहब के संदेश भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा मैं लगातार, ज्योतिबा फूले, पैगंबर साहब, बिरसा मुंडा और नेल्सन मंडेला जी, भगत सिंह, सबके संघर्ष आपको पढ़कर सुनाऊंगा। देखिए मेरे आने की स्थिति बड़ी वो है, बड़ी, मैं आ नहीं पाऊंगा अभी जल्दी से कहीं, मुझे बड़ी तैयारी करनी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं एक निवेदन भी करूंगा यहाँ के माध्यम, जितने वकील एडवोकेट साथी लीगल के हमारे हैं, वो एक बार आप मुझसे जरूर बात करें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मुझे बहुत जरूरत है आप लोगों की, बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और बहुत जल्द हमारे एक साथी हैं रवि किरण गौतम गाजियाबाद से, वो आपसे संपर्क करेंगे, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं रवि से कहूंगा कि रवि आप संपर्क करें। तो मैं पूरे देश से जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करता है, जो बहुजन समाज की बात करता है, मैं उन लोगों का स्वागत करता हूँ भीम आर्मी में, कि वो अपनी तरफ से मैसेज मुझे एक भिजवा दे, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उन तक पहुंचने का काम करूंगा, क्योंकि मैं इस मूवमेंट को बढ़ाना चाहता हूँ, तैयार करना चाहता हूँ लोगों को। और मैं जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आपने दी है, मैं उस जिम्मेदारी को अदा करना चाहता हूँ, निभाना चाहता हूँ उस जिम्मेदारी को। और हम विचारधारा के समर्थक हैं, व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं है। अभी कोई प्रोग्राम डिसाइड नहीं हुआ है कहीं आने का, मेरे नाम पे अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है मुझे जानकारी नहीं है, मैं कहीं आऊंगा तो बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं किसी का विरोधी समर्थक नहीं हूँ भैया, मैं उनका समर्थक भी, देखिए जिन लोगों को राजनीति करनी है मैं किसी पे बात नहीं करूंगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरे काम में खोट मिलेगा तो आप मुझे कह देना कि भैया आपके काम में खोट है, ठीक है, कहीं पहुंचने में देरी हो सकती है, लेकिन साथी काम कर रहे हैं वो जा रहे हैं, कहीं भी कोई मामला होता है जिससे जाते हैं, ठीक है। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं राजनीतिक बयान कोई दे नहीं रहा हूँ, जो लोग राजनीति करें बहुत अच्छी बात है। हाँ देखिए शिकायत, बहुत सारी शिकायत है, लोगों को ये भी शिकायत है कि मैं अपनी बात क्यों रख रहा हूँ, लोगों को ये भी शिकायत है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, लोगों की शिकायतें मैं दूर नहीं कर सकता हूँ,
जो एक सवाल आ रहा था बार बार कि जो लोग जेल गए थे, जो लोग मेरे साथ जेल गए थे, जो लोग उनसे मिले हैं, उन्हें जानते हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि साथियों मैं आपके पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। सबीरपुर जाने के लिए मैंने प्रयास किया था लेकिन मुझे मना किया गया है कि आप वहां जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। मैं सबको नहीं बता सकता वो सब चीजें, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने भाइयों तक पहुंचू, लेकिन वो भी जानते हैं कि वो मेरे साथ रहे हैं, वो मेरे साथ रहे हैं, वो सब जानते हैं कि मैं कितना काम कर मुझे कि काम करने के प्रति कितना वो है, मुझे भूख प्यास सब चीजें मेरे काम से पूरी होती है। तो वो जानते हैं, उनको मेरे से शिकायत, उन लोगों से शिकायत है जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो घर बैठे हैं, जो फेसबुक पे सिर्फ क्रांति कर रहे हैं लिख लिख के, उन्हें शिकायत है मुझसे कि मैं चंद्रशेखर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, चंद्रशेखर वैसा नहीं क्यों कर रहा। अरे चंद्रशेखर तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन लॉ ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, साहब काशीराम और बाबा साहब को बड़े करीब से पढ़ता है, तो आपसे जानने की जरूरत नहीं है क्या करना क्या क्या नहीं करना है, मुझे बहुत सारी चीजें देखनी है। मैं आपका कोई सुझाव अच्छा लगा रख लूंगा, मुझे लगा सुझाव अच्छा नहीं तो उस पर काम नहीं करूंगा। जो लोग देवाशीष की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, यार तुम तो बुद्धिजीवी हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, कोई कहीं चला गया जाने दो, कोई किसी पार्टी में जाने दो, तुम्हें निर्णय लेने हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। 2 अक्टूबर के बारे में, 2 अप्रैल के बारे में, जी मैं भरोसा दिला दूं कि हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, संवैधानिक आंदोलन, मीडिया के प्रशासन के लोग भी इसे सुनेंगे, मीडिया के लोग भी सुनेंगे, हम एक संवैधानिक आंदोलन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे, मैं जेल रह गया, मैं जानता हूँ जेल में कितना कष्ट होता है, किस तरह से जेल में टूट तोड़ा जाता है आदमी को। मेरे जो भाई जेल में सड़ रहे हैं जिनको 2 अप्रैल के बाद बंद किया गया है, ठीक है, मैं उनके सबके नाम तो नहीं जानता, मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रयास करूंगा उनको जेल से बाहर आने लेके आने का, उनके लिए आंदोलन करूंगा जमीनी रूप पे, सड़क पे आके, संवैधानिक आंदोलन, और करता रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए, हम बलिदान देंगे, हम सब लोग भीम आर्मी के लिए बलिदान देंगे, चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन आप देखो कि वो लोग किस तरह की कंडीशन में होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे, क्या उम्मीदें रही होंगी उनसे, उनके मैसेज हैं, पत्र है मेरे पास कि भाई आप बाहर चले गए, आप पूरी हमें पूरी उम्मीद है कि आप हम आपके जाने के बाद हमें न्याय मिलेगा। देखिए सारे राजनीतिक दल हैं, देखो मुझसे सवाल करते हैं, उनसे भी सवाल करके देखो एक बार, इतने राजनीतिक दल हैं जो बहुजन समाज के दलितों की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, आप देखो उनके मुद्दों पे बात करते हैं, उनके इतने लोग जेल में सड़ रहे हैं, यह मुद्दा नहीं है देश के लिए। अभी उत्तराखंड से खबर आई है मेरे पे, आज उत्तराखंड के लोग सुन लें, SC ST की जितने स्कॉलरशिप आती थी पढ़ने का अधिकार छीन लो, बंद कर दिए। मैं पूरी जांच करवा रहा हूँ, जांच करूंगा, रोड पे आ जाऊंगा, बिल्कुल सारे कौम को समाज को लेकर रोड पे आ जाऊंगा। आप देखिए मतलब स्कॉलरशिप बंद कर दी, हायर एजुकेशन में हमारा हमारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हायर एजुकेशन में कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा हायर एजुकेशन में। आपने स्कॉलरशिप मिल रही थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तराखंड की बंद कर दी है, आप हमारे अधिकार छीन रहे हो, हम आपसे कुर्सियां छीन लेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, आप अधिकार छीन रहे हो, हमारे पढ़ने का अधिकार छीन रहे हो, वापस ले जाना चाहते हो मुझसे पढ़ने का, मेरी कौम से, मेरे समाज से, बहुजन समाज से पढ़ने का अधिकार छीन रहे हो आप, पर हम आपसे कुर्सियां छीन लेंगे, वो जिन कुर्सी पर आप बैठे हुए हो। आपको क्या लगता है ये राजनीति कितने दिन चलेगी, आपकी 5 साल, उसके बाद क्या करोगे, गलत करोगे तो ये आवाम जाग जाएगी। आपने छात्रवृत्ति बंद करके साबित कर दिया ना आप दलितों के विरोधी हो, मुझे कहते हैं मैं भाजपा के खिलाफ क्यों बोलता हूँ, मैं आपके गलत नीति के खिलाफ बोलता हूँ। आप लोगों ने उत्तराखंड के, आप मुख्यमंत्री तक को सचेत कर रहा हूँ आज यहाँ के माध्यम से, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, चेक करा लीजिए, हमारे लोग छात्रवृत्ति नहीं रोक सकते आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चला रखी है, वहां से योजना आ रही है, आप यहाँ रोक रहे हैं हमारे लोगों के, हमारे पढ़ने का अधिकार छीनोगे, अच्छा नहीं होगा। हम आएंगे, हम बात करेंगे आपसे और सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे अगर आप हमारे अधिकार छीनने का काम करोगे, हम नहीं घर बैठेंगे, हम राजनीतिक लोग नहीं है। आप मारना लाठी, आप करना मुकदमे, आप भेजना जेल, और जो लोग हमारे, एक ये बात भी बता दो, 116 से डर रहे हैं, मुकदमा डर रहे हैं, आजादी चाहते हो ना, आजादी के लिए तो बलिदान देना पड़ता है, तुम मुकदमों से डर रहे हो, कोई जरूरत नहीं डरने की, भाई जेल जाओगे, ये सरकार तुम्हें झूठे मुकदमे लाकर जेल भेज देगी। तुमने देखा यूपी में कल एक इनकाउंटर हुआ है, परसों एक आम आदमी को मार दिया, जब एक आम आदमी को निजी स्वार्थ के लिए मारा जा सकता है तो एक गरीब आदमी उठाकर जेल में गिरना कौन सी बड़ी बात है, तो ये घेर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, सम्मान चाहते हो, अधिकार चाहते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लक्ष्य की ओर हैं। देखिए उन लोगों को पीड़ा हो रही है, उन लोगों को पीड़ा हो रही है तो समझ जाइए कि हम लक्ष्य की ओर हैं, हमें निश्चय करना चाहिए, मैसेज है सब लोगों के लिए कि हम अपनी आजादी की, अपने अपने आजादी के लिए अपने आखिरी खून के कतरे तक रक्षा करेंगे। जब हम अपनी आजादी की, दोबारा सुन लीजिए मैंने बताया ये लिखा गया है, इसे थोड़ा बोलने में वो हो रही है, तबीयत थोड़ी खराब है, हमें निश्चय करना चाहिए कि हम अपनी आजादी के लिए
अपनी खून के आखिरी कतरे तक रक्षा करेंगे। बिल्कुल, अभी गुड़गांव का 2 अक्टूबर कोई प्रोग्राम नहीं है बहन, मुझे मेरी बड़ी बहन पूछ रही है, मैं अभी 2 अक्टूबर है कोई प्रोग्राम नहीं है मेरे पास। बिल्कुल, अब संगठन का विस्तार पे बात कर ले, संगठन का विस्तार करेंगे हम। जो मैंने बताया, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपने गांव में SC ST OBC के एक सामाजिक परिवार तैयार करें और बच्चों को पढ़ाने का काम तैयार करें। मैं प्रयास करूंगा, हम प्रयास कर, हमारा सबका प्रयास है कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो लोग कहते हैं कि राजनीति से सब कुछ होता है, वो सरकारी योजनाएं लाने के तरीके मैं बताऊंगा आपको कैसे वो आम आदमी तक पहुंचेगी। हम तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बिना समाज राजनीति के सामाजिक तौर पे आपके लिए कुछ कर पाए। संगठन का विस्तार होगा, संगठन में सुन लीजिए, जो लोग संगठन में काम करना चाहते हैं पहले जान लीजिए कि संगठन में काम करने की शर्त क्या है। ये मेरी तरफ से, संगठन का विस्तार अब होगा, पर संगठन में वही लोग काम करेंगे जो कहीं कोई मामला होता है, जब कहीं कोई उत्पीड़न होता है तो मौके पर जाकर पीड़ित परिवार को एहसास कराएंगे कि वो अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं उसके। ये शर्त है, इसे शर्त मान लें आप काम करने की। पर आपको यहां सिद्ध करना होगा कि आप केवल अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने समाज को स्वतंत्र, मजबूत, सम्मानित कराने के लिए उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हमें कभी ना बिकने वाले समर्पित सिपाही चाहिए। मैंने लिखा है, देखिए ये मैंने अपने हाथ से लिखा है, जेल में, जेल डायरी में अपनी, ये मैंने अपने हाथ से लिखा है। जब मैं उस समय से, उस दौर से गुजर रहा था, जब मैं महसूस करता था कैसे होगा, ये आखिरी संदेश बाबा साहब का मैंने अपने हाथ से लिखा है। तो हमें वो व्यक्ति चाहिए जो कभी ना बिकने और समर्पित सिपाही चाहिए, जो बिकने वाला ना हो। क्योंकि अगर जैसे राजनीतिक पार्टी के लोग बिक जाते हैं, अगर हमारा व्यक्ति बिकने लग जाएगा, वो लालच में आ जाएगा, तो हमारा मिशन पीछे चला जाएगा। तो बड़ी उम्मीद है लोगों को भीम आर्मी से, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, ऐसे बिकने वाले लोग ना हो। मैं आज अपनी बात को खत्म करूंगा बहुत जल्दी। जो गोंडा से एक साथी लेकर, जो कहीं से भी पूरे देश में, वो भीम आर्मी में ही है। आप एकजुट हो जाओ, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करो। मैंने एक चीज परसों भी कही थी, आप जान लें, एक व्यक्ति को जोड़ता है, एक बहुजन समाज का व्यक्ति, एक बहुजन समाज व्यक्ति को जोड़ता है, एक दिन में आपकी ताकत दुगनी हो जाती है। आप ज्यादा नहीं, 6 महीने काम करो, देखिए कितनी बड़ी ताकत हो जाती है। एक व्यक्ति को मिशन में लाइए, समझाइए, उसे बताइए कि उसकी वास्तविकता क्या है। मैं वो अंतिम संदेश पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन ये पढ़ना चाहिए आपको। मैं बाबा साहब का संदेश है, सुनिए बड़े गौर से। मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने लोगों को दूसरे समुदाय के साथ बराबरी के आधार पर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करने वाले शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था। अब बीमारी ने मुझे लगभग अपंग और धराशायी सा कर दिया है। मैं जो कुछ भी प्राप्त कर सका उसका आनंद कुछ शिक्षित लोग ही उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने धोखे और कपटपूर्ण कार्यों से अपने आप को निकम्मा साबित कर दिया है, और उनके अपने पद बहुजन भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे मेरी कल्पना से परे हो गए हैं, वे अपने लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जी रहे हैं, उनमें से एक भी सामाजिक कार्य करने को तैयार नहीं है, वे अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं अपना ध्यान गांव की ओर, विशाल निरक्षर जनसंख्या की ओर लगाना चाहता हूं, जो अभी भी कष्ट उठा रही है और जिसकी आर्थिक स्थिति आज भी लगभग वैसी की वैसी ही है। ये बाबा साहब ने अंतिम संदेश दिया था। सरकारी लोगों, सर, जो हमारे पढ़े लिखे लोगों, उन्होंने मुझे धोखा दिया, उनका आशय ये था। फिर साहब काशीराम ने पढ़े लिखे लोगों का ही एक संगठन बनाया बाम से, उससे काम स्टार्ट किया और उन्होंने प्रयास किया, वो गांव की तरफ चले आए। बाबा साहब ने कहा गांव की तरफ जाओ, गांव के निर्धन लोगों को समझाओगे। बाबा साहब ने कहा कि वो आज भी आर्थिक रूप से कमजोर है, साहब काशीराम ने वही आंदोलन चलाया, व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक मुक्ति और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। तो वही आंदोलन
साहब का आश्रम चला, अब हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको चला रहे हैं। देखिए जयप्रकाश भाई के बारे में बात हो रही है, मैं जयप्रकाश भाई मेरे साथी हैं। अब समझने की बात यह है कि जो भीम आर्मी में काम करेगा वो भीम आर्मी के उद्देश्य की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के उद्देश्य से बात नहीं हो रही तो जयप्रकाश भाई से थोड़ी सी दूरी होगी, तो इसलिए। लेकिन सामाजिक रूप से मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मुझे किससे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, देखिए हम भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी की जो साहब काशीराम का जो रास्ता है, बाबा साहब का जो रास्ता है, बुद्ध का जो रास्ता है, पैरियर साहब का, ज्योतिबा फुले का जो रास्ता है, उसको बढ़ा रहे हैं, सामाजिक मूवमेंट को तैयार कर रहे हैं। सामाजिक सत्ता इतना बड़ा समूह है कि वो किसी भी राजनीतिक सत्ता को धरती पर टिका सकता है। सामाजिक आंदोलन के सामने कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्ता टिकी नहीं रह सकती। तो मैं लोगों को जगा तैयार कर रहा हूँ जागने के लिए, कि लोग जाग जाएं और लोग अपने अधिकार को ले लें, तैयार कर रहा हूँ। और जो लोग, मैं आखिरी संदेश के रूप में भी कह दूं अपनी बात को, जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर कल ये करेगा, वो एजेंट है, वो ये है, वो फलाना है, वो ढिमका है, यार जब मैं गलत करूंगा तो आप तो बुद्धिजीवी हैं, ये समाज तो बुद्धिजीवी, समाज को तो बेवकूफ नहीं आप कह सकते। ये फैसला लेगा ना, ये मैं सही हूंगा मेरे साथ आएगा, मैं गलत हूंगा मेरे खिलाफ जाएगा, ये मुझे से इसलिए तो प्रेम करता है कि मैं सही हूं, ईमानदार से लड़ रहा हूं। मैं अगर गलत करूंगा तो ये मेरे साथ नहीं खड़ा होगा ना, तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है ना, आप ये ज्ञान बांटना बंद करें। मैंने कहा कि आप आके नेतृत्व तो करें ना, आप आके करिए, अगर आप सही हैं आप आके नेतृत्व तो करिए, समाज आपको कुछ करके दिखाइएगा। 6-6 महीने लोगों ने जेल काटी है, उनके कोई नाम भी नहीं जानता जो लोग जेल में रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो उनको उन्होंने दी है नेतृत्व की जिम्मेदारी मुझे, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने कहा भैया आप नेतृत्व करो। मैंने देखा है जमीनी तौर पर सब चीजें, मैंने शोषण देखा, मैंने सहा है, देखा है, महसूस किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी टांग खींचने से अच्छा, मेरे ऊपर आकलन करने से और भविष्य के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप काम करें, आप काम करेंगे समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जी बहुत सारी चीजें हैं, मैं फिर कह चुका हूँ कि बहुत जल्दी जो है बात होगी आप सब लोगों से। ठीक है, मैं एक बार पढ़ लूँ, बहुत कुछ लिखा था मैंने आप लोगों के लिए जेल में, बड़ा कठिन समय था, एक बार पढ़ लूँ क्या, तो कुछ अच्छा बोल पाऊँ आपके सामने। तबीयत बड़ी खराब है, बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। देखिए बदला लेना इंसान का स्वभाव है, मेरे ऊपर लोगों ने बहुत टिप्पणियां की, मैंने आज तक किसी के लिए पलट के नहीं कुछ भी कहा, ये मैंने लिखा, बदला लेना इंसान का स्वभाव है, पर मैं बदले की नहीं बदलाव की भावना रखता हूं, ऐसा बदलाव जिसके बाद बदले की भावना सत्य समाप्त हो जाए।